तो हेलो गाइस, तो कैसे हो? आज हम कुछ अलग ही करने वाले हैं। आज इस कैदी को हमें जेल से बाहर निकालना है और हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। तीनों में से कौन सा ऑप्शन काम आएगा कि ये जेल से बाहर चला जाए, और हमें एक ही ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा। अगर वो गलत हुआ तो हम फेल हो जाएंगे, हमें पुलिस पकड़ लेगी या फिर बहुत मार पड़ेगी, कुछ भी। पर हमें तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला जो दिख रहा है वो सर तोड़ रहा है, तो ये सर तोड़ेगा तो शायद इसके लग जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन कुछ पता नहीं क्या है, मुझे दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या है। और ये तीसरी तो खाने की प्लेट जैसा कुछ है, इससे भी क्या होगा? ये सब पत्थर की दीवार है वैसे तो। चलो बीच वाला ऑप्शन ही मैं ट्राई करता हूँ कैसा है, देखते हैं। ओ यार, ये क्या था? अब मुक्के मारेगा क्या? ऊपर तोड़ दिया, मुक्के से तोड़ दिया। ओ वाओ, पहली लेवल अपनी एकदम सक्सेस हो चुकी है। वाओ, बहुत इजीली कंप्लीट हो गया। वैसे मुझे नहीं पता था ये मुक्के से तोड़ देगा इसको। अब आगे अपने पास एक डॉग आ गया। बाप रे, तो बुलडॉग है। इसको हड्डी देंगे तो सही रहेगा, मांस तो शायद खा जाएगा ये। हड्डी दे देते हैं, देखे हड्डी सबसे बेस्ट रहती है ना भाई, ले ले यार। ओ भाई, चला गया। अब आगे चलते हैं भाई। हड्डी से हमने कुत्ते को भी चकमा दिया और हम गए जेल से बाहर, सक्सेस हुआ ये। चलो अब देखते हैं अब इसके साथ में और क्या क्या हो सकता है, हम इसकी और कैसे मदद कर सकते हैं आज। अब ये बिल्कुल चुपचाप जा रहा है। अब इसको जाना है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे, तो इसको चाहिए होगा सीढ़ी। सीढ़ी भी चाहिए होगी, ये फंटा टूट जाएगा। सीढ़ी सही रहेगी वैसे ना, पर सीढ़ी ज़्यादातर सही है कि बताऊँ तो चढ़ाई करने के लिए सही होती है, रस्सी पे चल नहीं सकता। फंटा मुझे लग नहीं रहा, टूट जाएगा ये फंटा तो, ऐसा लग रहा है। मैं सीढ़ी का यूज़ करूँ, सीढ़ी तो ठीक रहेगी ना। यस, फंटे का यूज़ करूँ, फंटा मुझे लग रहा है टूट जाएगा यार। चलो सीढ़ी देता हूँ मेरे एक बार इसको। वाओ भाई, ये सीढ़ी से चला गया। मुझे फंटा पहले से लग रहा था वो टूट सकता है। अभी तक मैंने तीनों लेवल के लिए और एकदम कंप्लीट किए मैंने। वाओ गजब, बहुत मज़ा आया यार इसमें तो। चलो नेक्स्ट लेवल देखते हैं इसका क्या है। ओ हमारे पास ये सब कुछ है, ठीक है। इसको काट अलग ले लेते हैं ना, जो भी है। इसको आराम से सोने के लिए एक पट्टी मिली है, दीवार मतलब कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बेड मिल गया इसको सोने के लिए। चलो नेक्स्ट 3 लेवल की कैसी है देखना पड़ेगा। अब इसको करना क्या है? इसको ये लॉन्ड्री का सामान जो है इसको धोना है, क्या करना है? वॉशिंग मशीन, क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ यार इसमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कपड़े देखता हूँ, देख कुछ क्या कर रहा है कपड़ों का। ये एक एक कपड़े हटा रहा है ये तो। अबे ये क्या चीज़ है? अच्छा रे यार, मैं कपड़ों के नीचे छुप गया था। शेट, मुझे ये नहीं करना, कपड़ों के नीचे नहीं छुपना मुझे। वो हटा लेगा और शायद इसको तो वॉशिंग मशीन में तो मैं मर सकता हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ये वाला चूज़ करना पड़ेगा इस बार, ताकि मैं इसमें आसानी से चला जाऊँ। उसने मुझे नहीं देखा और मैं इजी वे चला गया। यस, मुझे यहाँ से बाहर निकलना था, मैं निकल गया। ये भी सक्सेस हुआ अपना, अब तक एक ही अपना मतलब ख़राब हुआ। अब यहाँ से भाई इन तारों में करंट है, यहाँ से ग्लब नहीं, ग्लब वाला सीन अच्छा लग रहा है मेरे को ज़्यादा। ग्लब वाला सीन अच्छा लग रहा है, क्योंकि ग्लब से करंट नहीं आएगा ना। तो क्या करूँ, ग्लब लूँ या इसको? गेट को तो छू नहीं सकता मैं, ठीक है ग्लब देखता हूँ कैसा है। ग्लब से चला जा भाई, चला जा भाई। पता नहीं था यार, वो बॉडी में थोड़ी ना ग्लव लगेगा उसके। सही है। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आपको? बहुत ही रोमांचक गेम था। अगली बार इस गेम के लिए मैं वापस मिलूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम। अगली बार वापस आऊँगा इस गेम को लेकर। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका आप आसानी से देख सको। बहुत मज़ा आने वाला है।